नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वातीतिनामिनि श्रीवार्षभानवे देवी दयिताय कृपादय कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभावे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्ति श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमः स्तुति नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणी शिरूपानुग विरुद्ध अपसिद्धान्त द्वन्द्वहारिणी अति कोमल कंचन दीर्घतनम तननिन्द्रित हेम मृणाल मदनारद वंदित चंद्रपदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम वंचाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वागर अस्मादीय गुरुपाद परम पूज्य पाद पति पावन परम कुल कुटुंबी श्री श्रीमद भक्ति विभूत बोधायन गोस्वामी महाराज जी का अभय रातुल चरण में साष्टांग प्रणति ज्ञापन पूर्वक कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पर स्मादिय परम गुरुपाद पद्म परिव्राज आचार्य वर्ज परम कुल कुटुंबी नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टादश श्रीशील भक्ति प्रमद परिवर स्वामी ठाकुर जी का अभय रातुल चरण में साष्टांगे प्रणति ज्ञापन करता हूँ कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पर जगत गुरु सपरिकार सपार्षद रत्न श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का अभय रातुल चरण में साष्टांगे प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पर कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पर समागत समागत समस्त भक्त मंडलियों का चरण में साष्टांग प्रणति ज्ञापन करता हूँ। कृपा पूर्वक आप लोग हरिकथा पढ़ने के लिए योग्यता प्रदान करें। हरे कृष्ण श्री श्री चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी रचित अंतलीला षष्ठ परिच्छेद श्लोक संख्या 193 श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बले प्रभु कहे कृष्ण कृपा बलिष्ठ सभा होइते तुम्हारे करिला विषय बेष्टा कर জানি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু রাধা কৃষ্ণ কা অভিন্ন প্রকাশ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু কহতে হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কা কৃপা সবসে বড়া হে লেকিন ইহাঁ পে সোচনে কা বিচার এহি হে কৃপা কিসে কহতে হে
कृपा की सब आदमी ही कर सकता है। कृपा शब्द का अर्थ ही क्या है? संस्कृत कृप धातु का साथ आप को तय लगा के कृपा शब्द साधित होता है, जिसका अर्थ है सामर्थ्य। जो कृपा करने के लिए समर्थ है, जिसका पास समर्थ है वही कृपा कर सकता है, जिसका सामर्थ्य नहीं है वो कैसे कृपा कर सकता है? कृपा तो एकमात्र ही कृष्ण ही कर सकता है, और कृष्ण का कृपा से कृष्ण का अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म और कृष्ण का प्यारी भक्त इन तीनों ही कृपा कर सकता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बोल रहा है, कृष्ण कृपा सबसे बलिष्ठ यानी शक्तिशाली है, इससे बड़ा कोई चीज नहीं है। कृष्ण कृपा करेगा तो जगत का किसी भी चीज हम लोगों का इच्छित नहीं कर सकता है, जानी जगत का हर चीज ही हम लोग जैसे कृष्ण का दास है। जो प्रभु कृपा करेगा और प्रभु का दूसरी वृत्तियों व दास हम लोग का रूप देंगे, एक ऐसा हो सकता है। फिर बताया तुम्हारे कारिलो विषय विष्टा करते हुए कि जब हम लोग का कृष्ण जी का कृपा मिलेगा तब हम लोग विषय गर्तों से अपने आप निकाल सकता है। जाने कृष्ण का कृपा नहीं मिलेगा तो विषय आशक्ति से विषय विष्टा से विषय कट्टा से कभी भी उद्धार नहीं मिलेगा। विषय क्या चीज है जे उससे निकलना ही पड़ेगा? हाँ, विषय उसी के उसी का ही कहलाता है जिसमें आसक्त होने का बाद आदमी उनका नित्य प्रभु श्री कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु जी का भूल जाता है। जीवेर स्वरूपाय कृष्ण ने तदास कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेद अभेद प्रकाश। हम लोग हर जीवात्मा ही भगवान कृष्ण का नित्य दास है। जब हम लोग विषय में आसक्त हो जाऊंगा तब हमारा नित्य प्रभु भगवान का भूल जाऊंगा, तो उसी का एक गड्ढा कहलाता है, विष्टा का गड्ढा, गड्ढा यानी मॉल है। तो उसी गड्ढा से निकलने के लिए क्या चाहिए? भगवान कृष्ण का कृपा चाहिए। फिर हम लोग देखता हूं कृष्ण भी कृपा किया, सतगुरु का चरण आश्रित हो गया, अच्छा तरीके से परिणाम कर रहा हूं, देखने में वैष्णव जैसा है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, देखने में लगता है बहुत बड़ा भक्त बन गया, मैंने बहुत बड़ा भक्त बन गया, लेकिन मेरा जो इंद्रियों है ना, आँख कान नाक त्वक सब जनजिह्वा इन सब इंद्रियों अपने आप इंद्रियों का तर्पण यानी इच्छा पूर्ण करने के लिए कोशिश करता है। कहां पे भगवान का गुरु जी का वैष्णव का संतुष्ट मिलेगा उसमें नहीं जाता। जाने कृष्ण का कृपा गुरु जी का कृपा मिलने का बाद भी हम लोग विषय में आसक्त हो तो इसका बारे में श्रील प्रभुपाद ने कहते हैं, जो भगवान कृष्ण कृपा करते हुए हम लोगों का विषय गड्ढा से
निकाल के उनका चरण में ले गया। लेकिन हम लोग क्या करता हूं, जो बिस्टा का जो मल का जो गड्ढा में गिरा हुआ था उसका स्वाद, उसका जो बुरा स्वाद है वो भूल नहीं सकता। इसीलिए क्या करता हूँ, कृपा मिलने का बाद फिर दोबारा उसमें गिर जाता हूँ। तो दोबारा गिरने के लिए प्रभुपाद क्या कहता है, प्रभुपाद कहता है जो आदमी एक बार कृपा मिलने के बाद फिर उसी विषय में फिर आसक्त हो जाता है, ऐसा आदमी शुक्र का बिस्टा खाता है। जानिए शुक्र क्या कहते हैं, शुक्र का खाना बिस्टा है, मॉल है। फिर शुक्र का बिस्टा क्या होता है, मल का मॉल होता है। तो कितना गड्ढा चीज है, कितना बुरा चीज है। तो कृष्ण एक बार कृपा किया, गुरु जी का दर्शन भी मिल गया अच्छा तरीका से, युग धर्म महामंत्र भी जप कर रहा हूं। लेकिन हम लोगों का यही कोशिश करना पड़ेगा, दोबारा उसी विषय में नहीं गिरूंगा, दोबारा गिर जाऊंगा तो फिर शुक्र का बिस्टा खाना जैसा हो जाएगा। जानबूझकर हम लोग ऐसा काम नहीं कर सकता हूं। किसी भी ज्ञान वाला आदमी का एक बदबू वाला नाला में गिरने के लिए वा जाने के लिए बोलेगा तो नहीं जाएगा, मतलब वहीं से बदबू आ रहा है, मैंने वहां पे कैसा जा सकता हूँ। तो हमारा इस संसार का जो विषय है रूप रस गंध स्पर्श शब्द, यानी पंच सेंसेस, फाइव सेंसेस, इस फाइव सेंसेस का कृष्ण सेवा में नहीं लगेगा तो हम लोग का विषय भोग करना होगा, हो रहा है। तो उसी से क्या होगा, वो एक बिस्टा का गड्ढे में गिरना हुआ एक ही जैसा है। लेकिन हम लोग का समझ में नहीं आता है। तो आइए विषय गड्ढा से, विषय बिस्टा गर्द से कैसे मुक्ति मिल सकता है, इसके लिए हरिनाम ज्यादा करते हुए वैष्णव सेवा ज्यादा करते हुए आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नितय गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सभी भक्तों का चरण में साष्टांग प्रणाम।